जो होती है हमेशा रानियां होती है, तो एक इन्हें भी अच्छा मौका मिला है और एक बच्चे का लक थोड़ा सा इतने अच्छे इनको फादर मिले अपना ध्यान रखते हैं। नहीं भाई माननी पड़ेगी भाई, अगर एक फादर अपनी बेटी को गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि भाई जो लड़कियों की जो वैल्यू है कितनी है। मौका था छोटी दिवाली का और छोटी दिवाली पर एक बहुत ही खूबसूरत सा एक पल था, जो कि एक व्यूअर हैं या एक कस्टमर समझ लीजिए मारुति के, जिनकी गाड़ी की डिलीवरी थी। और ये बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पिता कैसे अपनी बेटी को एक कार गिफ्ट कर रहे हैं। और अगर पिता का प्यार अपनी बेटी के लिए इतना है तो आप समझ सकते हैं कि भाई आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बेटियों को बहुत बहुत अच्छा समझते हैं, यानी कि बेटों और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं समझते हैं। ये तो एक खुशी का मौका था ही। बाकी आप इस डिलीवरी को देखिए, क्या क्या प्रोसेसेस करने पड़ते हैं और क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो भाई पूरा वीडियो देखना, अगर आप ये गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हो और फर्स्ट टाइम बायर होंगे तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद लगेगी। ये आपके पेपर्स हैं, तो ये सारी फाइल पे आपको साइन करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहली सर्विस जो होगी वो आपकी 1000 किलोमीटर या एक महीना, दूसरी सर्विस होगी आपकी 5000 किलोमीटर या 6 महीना, तीसरी सर्विस होगी आपकी 10000 किलोमीटर या 12 महीने, इनमें से जो भी पहले होगा। सेकंड कितनी पे होगी? 5000। 5000 पे। हेलो, अंदर ये सर आ रहे हैं, 2 मिनट रुको, आ रहे हैं 6 महीने। हाँ हाँ आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। हाँ, तीसरी जो होगी 10000 किलोमीटर या 12 महीने में, ये वाले पे चलो लिख दिया, लिखने का कोई फायदा नहीं है। ये तो नॉलेज के लिए था। नहीं, नॉलेज के लिए आपको मैं वो दूंगा ना, सर्टिफिकेट, वो उसका कूपन दूंगा ना सर्विस का, उसके लिए आप उसका तीनों कूपन आपको मिलेंगे, पहली सर्विस, दूसरी सर्विस, तीसरी सर्विस। हाँ, या साइन कर दीजिए। तीन जो आपकी सर्विसेज रहेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीनों फ्री सर्विसेज रहेंगी। तीनों सर्विस में आपने कोई पैसा नहीं देना सर्विस का, लेकिन थर्ड सर्विस पे आपको इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ेगा, जो ज़रूरी भी होता है। इंजन ऑयल कितने किलोमीटर पर चेंज होता है? इंजन ऑयल जो है पहले तो आपको या तो 12वें महीने में कराना पड़ेगा चेंज, या 10000 किलोमीटर पे। हेलो एंड वेलकम टू कारखाना। दोस्तों, एक नई कार डिलीवरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं हम, और आज की जो गाड़ी डिलीवर हो रही है ये है मारुति सुजुकी डिज़ायर AGS VXI, और इसके ओनर से आपको मिलवाता हूँ। कुछ चीज़ें उनसे हम जानेंगे कि भाई यही गाड़ी क्यों ली उन्होंने और कितने की पड़ी है, सारे क्वेश्चंस आपके मन में भी, अगर आप भी डिज़ायर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए सीधा हम चलते हैं गाड़ी के ओनर के पास और आपको उन्हीं से ही पूछवाता हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। सर अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम अमर सिंह है। अमर सिंह मैम, आपका क्या नाम है? अमृता सिंह। अमृता सिंह, तो सर सबसे पहला मेरा जो सवाल है आप दोनों से ये कि डिज़ायर ही क्यों, कोई दूसरी क्यों? मारुति मेरे को पसंद है। मारुति पसंद है। मारुति ओके। इससे पहले भी कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो आप? सर्विसेज अच्छी हैं। अच्छा, राइट। तो सर इससे पहले भी कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो अभी आप फिलहाल? कौन सी? i10 यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अभी आपने क्योंकि एक बेहतरीन माइलेज वाली गाड़ी वैसे भी चूज़ करी है, 5 सीटर गाड़ी, और बहुत ये अपने में एक हिट है बहुत बड़ा मारुति का। हाँ, अच्छा अच्छा, शादी का पर्पस है। ओके नाइस, तो मैम आप ड्राइव करने वाले हैं मतलब आगे? मैं अपने तरफ से अपनी बेटी को गिफ्ट दे रहा हूँ। अरे वाह भाई, बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। मैम आपको बहुत बहुत बधाई कि एक ये तो मतलब यार ये तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में, ये तो बहुत अच्छा, मुझे लगा तुमने पूछा होगा। नहीं नहीं, मैंने अपनी शादी का एक वो तोहफा है ये तो। हाँ, ये तोहफा है बहुत। ओके, एक पिताजी ने अपनी बिटिया के लिए, अरे तो बिटियाएं जो होती हैं हमेशा रानियां होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपने घर की रानियां होती हैं। हाँ, तो एक इन्हें भी अच्छा मौका मिला है और एक अच्छे इनका लक बहुत अच्छा है कि इतने अच्छे इनको फादर मिले हैं, इतना ध्यान रखते हैं। सही बात है भाई। नहीं भाई माननी पड़ेगी भाई, अगर एक फादर अपनी बेटी को एक गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भाई जो लड़कियों की जो वैल्यू है कितनी है, कितनी है, है ना। तो भाई इन चीज़ों पर भी पूरे इंडिया को ध्यान देना चाहिए और अच्छा लगता है ये सब देखना। चलो, तो ये मुझे ये तो मैं बोलूँगा भाई, ये जो मोमेंट है ना, ये
एकदम से कैप्चर हो गया मुझे नहीं नॉलेज इसके बारे में कुछ, और बहुत अच्छा लगा मतलब इसके बारे में जान करके। चलिए थैंक यू जी सर। तो चलिए मैं पूछ लेता हूँ सर से कि गाड़ी हमें कितने की, सर ये गाड़ी ऑन रोड कितने की पड़ी है? 9.5 लाख के आसपास आपको लगभग पड़ गया है। तो भाई अगर आपका बजट भी 9-9.5 लाख रुपए है तो आप डिज़ायर पे जा सकते हो, माइलेज तो बेहतरीन मिलेगी और ऑटोमेटिक पे, हाँ ऑटोमेटिक पे AGS है ये। बाकी सर्विस तो देखो मारुति की सबको पता है कि कैसी है, और इसको नॉर्मली आप जैसे चलाने वाले हो मैम, अभी भी कोई गाड़ी ड्राइव कर ही रहे हो जैसे आप, तो आप कितनी नॉर्मली कितनी स्पीड रखते हो गाड़ी की? 40 मतलब आप बहुत बहुत आप प्यार से गाड़ी चलाते हो। अच्छा मतलब ठीक है, तो फिर तो यार एक नंबर गाड़ी है ये, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सर एक दो चीज़ें मैं ना अब मैं अपने राजीव भाई के लिए पूछने वाला हूँ आपसे कि आप कितने टाइम से इनके साथ डील कर रहे थे? मैं तो राजीव सर के साथ अगस्त से हूँ। अच्छा, कोऑपरेटिव हैं। ओके, और सिंसियर भी हैं। मतलब मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर सर खुद ही दे रहे हैं। अच्छा, और ऑन टाइम हर काम को इन्होंने किया है, कमिटमेंट जो भी इन्होंने दिया उस पर खड़े उतरे हैं ना सर ये फैमिली मेंबर की तरह। अरे वाह वाह, रियल रियली अप्रिशिएट भाई। सर हमने ना आज तक सर के साथ जितनी भी हमने गाड़ी की डिलीवरीज जो भी कराई है तो उनके ज़्यादातर जो कस्टमर के जो व्यूज़ होते हैं यही होते हैं कि बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह इन्होंने यहाँ पर हमें ट्रीट किया। तो चलो भाई अब मैं सर से मेरा वैसे नंबर मुझे पता है कितने मिलने वाले हैं, फिर भी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। सर 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में से मैं इनको 10 नंबर दूँगा। अरे वाह, 10 में से 10 नंबर राजीव जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, है ना। तो सर आप लोगों को दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और मैम आपको भी, और आपको मैरिज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप चलिए, तो ये एक मोमेंट था जो कि हमने आज कैप्चर किया है राजीव जी के साथ और अपने सर के साथ जिनकी गाड़ी है। बाकी मैं आपको गाड़ी के कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ, तो अगर आपको भी कोई क्वेरी हो गाड़ी से रिलेटेड इनको आप परेशान कर सकते हो कभी भी फ़ोन करके, इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी सेवा के लिए तत्पर हमेशा आता है। तो जो 3 सर्विसेज के बारे में आपको बताया था ना, वो ये आपकी बुकलेट है जिसमें 3 सर्विसेज का आपको इंस्पेक्शन कूपन मिलते हैं। पहली सर्विस इंस्पेक्शन फ्री जो होती है, 1 महीना या 1000 किलोमीटर जो भी पहले हो जाएगा, अगर 25 दिन में 1000 किलोमीटर चलाओगे तो 25-26 दिन में आप सर्विस करा रहे हैं पहली। उसी तरीके से दूसरी जो सर्विस होगी आपकी 6 महीने या 5000, अगर आप 5 महीने में 5000 किलोमीटर चला देते हो तो 5वें महीने आपको सर्विस करानी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर 12 महीने या 10000, अगर आप 10 महीने में 10000 किलोमीटर गाड़ी चला दो तो आपको 10 महीने में सर्विस करानी पड़ेगी। तीनों सर्विस में आपको कोई पैसा नहीं देना, तीनों फ्री सर्विसेज होती हैं, वॉशिंग वगैरह सब फ्री होता है। सिर्फ थर्ड सर्विस पे आपको इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ेगा, उसका जो भी चार्ज हो 3000-4000 जो भी हो, एक साल बाद वो आपको वो पे करना पड़ेगा। सर्विस का पैसा नहीं देना 3 साल। ठीक है, थैंक यू। और क्या क्या डॉक्यूमेंट वो मैं बताऊँ? ये सर गेट पास होता है कार का, ये आपकी कार का पेपर है इनके नाम से, मैम के नाम से, अमृता सिंह, ये आपका फादर नेम, ये एड्रेस हो गया। हमारी गाड़ी HDFC से फाइनेंस हमने कराई है, हमारी गाड़ी है डिजायर DXi AGS प्रीमियम से। ये कार का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का क्या यूज है जैसे पुलिस वालों को अगर दिखाना होता तो इंश्योरेंस अच्छी वैलिडिटी भी थर्ड पार्टी की जो है वो 2025 तक है, और ओन डैमेज जो गाड़ी है कुछ चीज़ टूटती है कुछ भी चीज़ वो 2023 तक है। वार्निंग ट्रायंगल, फर्स्ट एड किट, ये आपके म्यूजिक सिस्टम का रिमोट है, दोनों का एक होता है। ये आपकी टॉर्चन हो गई, इसमें दो चीज़ें हैं, ब्रेक करो और व्हील पंप। ये मत चेक करो यार, जो गाड़ी हमें कौन सा खोलना है। चलो सर, ओवरऑल अगर मैं शोरूम की बात करूं तो यहाँ पे जितने भी स्टाफ था इनका रवैया कैसा रहा? कोऑपरेटिव है, सारे लोग कोऑपरेटिव हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है। तो मेरा भी ऑफिस बिल्कुल एम ब्लॉक में ही है। अच्छा, तो फैमिली मेंबर की तरह हम लोग हैं, ये तो बिल्कुल ही सामने हो गया, एम ब्लॉक इधर है सामने और इधर शोरूम है। हां वेरी गुड, ठीक है, कंपनी भी ठीक है और स्टाफ भी बड़े कोऑपरेटिव हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू सर। सर बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से, बधाई हो आपको सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई, मैम आपको भी, थैंक यू। ये इनको दीजिए। सर हैप्पी दिवाली आपको, आप दोनों को हैप्पी दिवाली।